Captain! Captain! Get on! Malindu ke bhaiya! अरे बिबू उधर कहाँ जा रहे हो? बेबी हम मिल रहे हैं अगले स्टेशन पे। हम अगले स्टेशन पर टैक्सी पकड़ के आ रहे हैं पगली। ये लोग वहाँ क्यों चले गए? अरे हमको ना ही पता। चलिए ना। चलिए हम दीर्घ शंका करें। सामूहिक ग्रुप अरे यार जुकुआ मरो। जैन साहब अरे साहब का बताएं, घुटनन की दर्द से इतनी परेशान हो गई हैं कि हमें ऐसा लग रहा है साहब कि अब 3-4 दिन हम ड्यूटी पे ना आ पाएंगे। आओ। अरे बहुत साहब नाना, अरे ट्रेन में ना बैठे साहब। अरे वो हम आओ छोटू लल्ला है ना, वो ट्रेन से खेल रहा हुआ है, रिमोट से बार बार आवाज निकाल रहा हुआ ट्रेन की। अरे चुप हो जा, साहब से बात कर रहे हैं। फोन रखो ना डार्लिंग। साहब अरे नाना साहब कैसी बातें कर रहे हो, बीवी है अंग्रेजी सीख रही है आजकल, तो मुझसे बार बार डार्लिंग निकल रहा हुआ ना। गुलफाम गली की आवाज ना आएगी साहब, बिल्कुल ना आएगी। आओ आओ बस साहब, ठीक होते ही पहुंच जाएंगे ड्यूटी पे। आओ साहब। जैन साहब तुम्हें बिल्कुल भी चैन ना है, वो जरूर ये बीच फोन में बोल वो डार्लिंग। तुम्हें पता है कमिश्नर जो बाल की खाल निकालते हो बाद में। कमिश्नर साहब बाल की खाल निकालते हैं और आपकी आंख में लोमड़ी का बाल है। कबूलो। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, इतनी जिम्मेदारी भरी ड्यूटी को छोड़कर घुटने के दर्द का बहाना बना के आप नैनीताल ऐश करने जा रहे हैं। कमिश्नर साहब को बेवकूफ बना रहे हैं, लानत है आप पे। ज्यादा नहीं मुंह चला रहे, थक से ना। अरे दुनिया की कोई भी ताकत कितना भी मुंह चला ले, आप इतनी मोटी चमड़ी के हैं कुछ असर नहीं पड़ेगा आप पे, समझे? आई लाइक इट। दरवाजी आप ट्रेन में मारपीट मत करो प्लीज। पहले ऐसे लौंडी इनकी जबान पे पहले कंट्रोल करो, नहीं हम 2 और दे देंगे। अरे बाबा ये अगला स्टेशन कब आएगा? आप पता नहीं अनीता जी, हम भी पहली बार ही जा रहे हैं। ये लोग यही कह रहे थे ना कि अगले स्टेशन ये टैक्सी तक पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ बोले तो थे, लेकिन का टैक्सी ट्रेन से पहले पहुंच जाएगी अगले स्टेशन। नहीं क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पूरा मजा किरकिरा कर दिया इन लोगों ने। हमरे भी कुछ ना ही समझ आ रहा है। सुनो टीका, अगला स्टेशन कब आएगा? कभी तो कभी तो आ ही जाओगे भाभी जी। ये क्या सबेतु का जवाब है, साफ साफ बताओ ना अगला स्टेशन कब आएगा। भाभी जी बस आने वालों है, आधा घंटा में आ जाओगे। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे भाई साहब आप लोग फिर से यहाँ? अच्छा लगता है आप लोगों की ट्रेन छूट गई। चने तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? अरे हमारी प्रॉब्लम तो ये चने हैं भाई। अरे हमारी प्रॉब्लम भी तो चने ही है भाई। कुछ कहा आपने? अरे तू जाना यार यहाँ से, हमारा दिमाग खराब मत कर, चल जा। अरे हम कहा आपका दिमाग खराब कर रहे हैं, हम तो ये चने खिला रहे हैं। अरे नहीं चाहिए तेरे चने यार, जाना तेरे, तू जाना, ये छोड़ना जाना भाई, निकलना यहाँ से यार, जाना अपना काम करना है। कमाल है चनों से इतनी दुश्मनी क्यों है? अरे चने खाने से पेट साफ हो जाता है। जी टैक्सी ले लें, टैक्सी और कुछ पानी की बोतलें भी पीने के लिए।
I got it. I got it. आइए। दरोगा जी, आपको जा से गाना है। लियो अबे। ओ भैया, जिंदगी एक सफर है सोहानो, इतने कल का हो किसने जानो, ओ गोरी में उड़ले उड़ले ओ, अरे उड़ले उड़ले ओ, भैया यहाँ कल का हो किसने जानो, ना तो भैया नन्नो मुन्नो राही हूँ, देश को सिपाही हूँ, बोलो मोरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय बेगाओ दा 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 दम मारो दम मिट जाए गम बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम मास्टर जी माँ से गाइए सा नहीं माँ से सुर साध रहा हूँ भाई सुर नाम की भी कोई चीज होती है ना स रे ग म मेरा नाम है चमेली मैं मालन हूँ अलबेली चली आई हूँ अकेली बीकानेर से कभी कभी तो मोए ना मास्टर जी पे डाउट होता है खैर कोई बात नहीं अभी तमारी अब आपको सैसे गाना पड़ेगा नहीं नहीं मेरा मूड बहुत खराब है मैं नहीं गा रही गोरी में मगर आपको मूड खराब हो जाएगा तो हमारा मजो खराब हो जाएगा हम 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 पान खा के आ रहे अरे दादा रुकी रुकी थी जिंदगी चट से चल पड़ी तू उतर गाड़ी मैं चलाऊंगा अबे तुझे पता है तू किस स्पीड से गाड़ी चला रहा है बे 20-30 तू पहले क्या बैलगाड़ी चालक था क्या बे सड़कवा का हालत देख रहा भाई साहब है कितना गड्ढा खुदा हुआ है तो बेटा गड्ढा बचा बचा के चला ना तो गड्ढे के ऊपर से गाड़ी गुजारता है तो बड़ी तकलीफ होती है बेटा बेटा इनको भी तकलीफ होती होती है ना हाँ वाकई बहुत तकलीफ होती है आपका टाइम नजदीक आ गया क्या आपने नहीं तू निकल बाहर मैं गाड़ी चला चल बेटा निकल ले चल अरे रुक जाइए तनिक अपने बंधु को तो आने दीजिए अरे उन्हें जाने दे यार उनके चक्कर में ट्रेन मिस हो जाएगी चलो अरे कहाँ भटकेंगे वो जंगल में अरे भटकने दे यार जाने घुइया के खेत में ठीक है बैठिए हम तो पहुंचा ही देंगे हम काम चल भाई रुक अब क्या हुआ भाई पानी है तेरे पास अरे हम का कुआं खोद के रखे हैं का जो भी आ रहा हमसे पानी मांग के चला जाता एक तो बोतल था वो भी हथिया के ले गए आपके बंधु यार अब क्या करें सुनिए हाँ वो बगलवा में तालाब है उसके किनारे जाके बैठ जाइए ये सही है भैया ये अगला स्टेशन कब आएगा टीका बस आवे वारो भाभी जी ये दोनों कहीं बाहर ले जाने लायक ही नहीं हाँ सही पकड़े अनीता जी एक तो लड्डू के भैया हमको कभी कहीं लेकर ही नहीं जाते हैं और लेकर जाते हैं तो ये सब नाटक करते हैं भैया जी इनमें से दो सीट हमारी है अच्छा हाँ भैया कहाँ जा रहे हो आप जहाँ तक ये ट्रेन जाएगी वहीं तक जाएंगे भैया जी अच्छा मतलब नैनीताल जा रहे हो भैया नैनी शादी हुई लगता है हनीमून पे जा रहे हो
जी हम लोग कहाँ बैठे? कहीं भी बैठ जाओ, सारी जगह आपकी है, कहीं बैठ जाओ। अच्छा, यहाँ बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाओ। और ये टिकट ना पारस में डाल लो। ले बेटा, ले बेटा, रख ले। धो लिए? हाँ धो लिया, मुँह धो लिया, और पानी बचा तो पी लिया। हट, मैं घर में चला था। अरे ये कहाँ गए तिवारी जी, कहाँ गए? हो लिए? तालाब सूखा था बे। तो फिर मैनेज कैसे किए? कुछ नहीं हुआ, गनीमत थी कि कुछ सूखे पत्ते पड़े थे। एक्सक्यूज मी, पत्तों से क्या रगड़ के आए आप? रगड़ के क्या यार, वो चप्पल में गंदगी लग गई थी। सो गए तो देखा तालाब सूखा था, तो वो पत्तों से ही रगड़ के पोछ लिया। और क्या शर्तिया, भभूती जी ने हमारे खिलाफ कोई गेम खेला है। चल बेटा चल चल, रास्ते में कहीं रोक के ना पानी ले लेंगे। हाँ वो जरूरत पड़ती रहेगी अब। सही है, वेरी साइड, चलो बेटा चलो। रुक 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 रुक, चल 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 चल, रुक 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 रुक, चल 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 चल। मास्टर जी, अजगैन आ गया, अजगैन अजगैन। अच्छा, उतरो भाई उतरो, जा कहो को नाश्तो करना हो, चाय पीना हो, उतर जाओ, आ जाओ आ जाओ। अजगैन आ गो, अजगैन जल्दी से नीचे आ जाओ, अगला स्टेशन बहुत लंबा पड़ेगा। लौंडा लौंडा सुनो, यहाँ आसपास कोई बिजली का नंगा तार पड़ा है क्या? बहुत तेज सूख लगी है यार। अच्छा सेना जी, आ ऊपर देखो, 10,000 वाट की तार लटक रही, जाके चिपक जाओ उसमें। आई लाइक इट। बेवकूफ आदमी, मरवर गो तो मुसीबत आ जाएगी। सारे जे पगलाइट है ना, बहुत मोटी चमड़ी को है, इतनी जल्दी ना मरेगो। अरे दादा, अरे हटो यार। ओ भैया 2 मिनट रुकिए यार, बढ़िया चाय समोसा खिलवा दे यार। अरे रोक लगियो यार, या पिलवा बढ़िया सी चाय। आहा, जो कैसी चाय है ससुर, पानी में घोल दी बस पत्ती हो गई चाय, दूध को नाम तक नहीं है जामे। तुम यार काय के लाने दुकान खोलती हुए थे, ये ठंडू है ससुर। कहतना को बासू आलू भेजा में, जाको तुम ताजो समोसो कहते हो, लूट रहे हो ससुर आदमियों को। अरे क्या हो गया भाई दरोगा जी, काहे के लिए भड़क रहे हो इस पे? अरे यार डॉक्टर का बताएं ससुर, बासू आलू को समोसा खिला रहा हूँ, पानी में ऐसी पत्ती घोल देगी बिल्कुल ऐसी। देखो अब स्टेशन पे आप खाओगे पियोगे तो ऐसा ही सामान मिलेगा आपको। अरे यार सफर को मामलो है, डॉक्टर साहब बीमार हो गए, तबियत बिगड़ गई ससुर, क्या करेंगे फिर? अरे फिर हम आपके साथ क्यों चल रहे हैं, आखिर डॉक्टर नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? ऐसे में तो मैं ठीक है खा लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखियो फिर हमारे सफर में। क्या बात है हुजूर, अकेले अकेले चार समोसे खाए जा रहे हैं, जरा हमें भी तो खिलाइए। गुलफाम गली, तुम एक का सोचो दो दो समोसा खा लो, लेकिन रात में तो हमारा ध्यान दियो। आप भी ना हुजूर। लियो पे। गुलफाम कली, ये बासी समोसे खाकर बीमार पड़ना है क्या? है ये ऐसा ही खाने दो, और तुम तो जानती हो तुम करीना से थोड़ी ज्यादा और कटरीना से थोड़ी कम हो। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे गुलफाम कली के 5 स्टार में जा रहे लंच करा दे है। तुम गुलफाम कली से चिपको रहते हो। चलो मैं तुम्हें गुजराती थेपले खिलवाता हूँ, आओ। ऐसी कैसी कराओ ससुर। विभू, विभू, विभू। अरे गोरी मैम, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बढ़िया सी चाय, गरम गरम समोसा खा लो, कम तेल वाले हैंगे। आप ही खाइए चाय और समोसे। विभू पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं पहुंचा है। अरे गोरी मैम आप तो ऐसे कह रही जैसे भैया विभूति दूध पीते बच्चा हो, आ जाओ ना। हाँ बाबा ये तो मुझे भी पता है कि विभू कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, लेकिन आपका भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं?
वहाँ खड़े खड़े चाय और समोसे दबाए जा रहे हैं। लड्डू के भैया, अरे कौन रह गई? दोनों ही नहीं दिख रहे हैं। अटीका मलखान, तुम कहीं देखे का लड्डू के भैया को? कहाँ? लड्डू के भैया? तिवारी भैया विभूति भी अभी तक नहीं है? ना ही पहुंचे, तभी तो ढूंढ रहे ना उनको। भाभी जी, अब पता ना इन दोनों भैया को कहाँ खुजली आ गई। ट्रेन छोड़ के जावे की क्या जरूरत थी ना? तुम दोनों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमें संस्कार कहाँ से आ गए? ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है। अरे मार साहब, सबको छोटे छोटे बच्चे थोड़ी ना, तो तुम उंगली पकड़ पकड़ के ट्रेन में चढ़ाए। भाभी माँ, भैया है का? ना ही लड्डू अभी तक ना ही आए हैं। भाभी माँ, हम आए क्या भैया को ढूंढने? ना ही, ना ही लड्डू, तुम वहीं बैठे रहो, स्टेशन पे छोड़ जाओगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फोन लगा के देखते हो? हाँ लगाइए ना। नो, फोन भी नहीं लग रहा है। विभू का कहाँ रह गए दोनों? ट्रेन भी चलने वाली है। अरे रुको, अरे अरे ऐसा कहो ना, भूख लगी। भैया जी, दो चाय और चार समोसा दीजिए। तो बहुत अच्छा समोसा बनाते। खाए भैया, कौन गांव की हो? जीरौली के हैं भैया। धून सिंह जीरौली? हाँ हाँ। नहीं, ब्याह के लिए आ रहे का? नहीं भैया, शादी को तो 10 दिन हो गए। वो कहा है हमार जुरू ने बहुत शर्मिली है, और इसी कारण 10 दिन से शादी का जोड़ा ही नहीं बदली। अरे यार, इतनो का शर्मानू, इनको देख के तो ऐसा लग रहा हुए अब जिस शादी को जोड़ा ही पहनेगी हमेशा। अगर पेशरम हो गई ना तो उते उड़ा दूंगी साले। समोसा ठंडा। अरे गड़ी गड़ी की चटनी जल्दी छोड़ो इससे, ट्रेन चलने को टाइम है। अरे चलो चलो, अरे ठहर जाओ यार। सक्सेना जी, अरे कितने झटके खाओगे यार, जल्दी आ जाओ अंदर को, ट्रेन चलने वाली है। अरे अरे भैया, I like it. पूरी रात का इंतजाम कर लिया मैंने। भैया, ये देखिए ना अनीता जी, लड्डू के भैया तो अभी तक ना ही पहुंचे हैं। पता नहीं कहाँ रह गया है विभू। अरे गोरी मैम, आप लोग तो आ जाओ, ट्रेन चली जाएगी। इन लोगों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? माता जी आप चुप आ जाओ, संस्कारण के साथ में यही छोड़ जाऊंगा आपको। संटी निकालू क्या?